प्रदेश भर में सोमवार को नेपाली समुदाय के लोगों द्वारा तीज त्यौहार धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर नेपाली समुदाय के लोगों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया, जिसमें नेपाली समुदाय के लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। अखिल भारतीय नेपाल एकता मंच जिला समिति शिमला ने हरितालिका तीज के अवसर पर खलीनी क्योंथल वेंकट हॉल में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता महिला समिति की अध्यक्षा सुनीता चंद ने की, जबकि मंच का संचालन अखिल भारत नेपाल एकता मंच जिला समिति शिमला के सचिव किरण वल्ली ने किया। इस मौके पर नगर निगम शिमला के पूर्व महापौर संजय चौहान विशेष रूप से मौजूद रहे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश का नेपाल से लगभग 200 साल पुराना रिश्ता है। उन्होंने कहा कि करीब 200 साल पूर्व नेपाल के थापा अमर सिंह अपनी बहादुरी के बलबूते हिमाचल प्रदेश में आए थे और यहां देशद्रोहियों के खिलाफ जंग लड़ते रहे। साथ ही इस दौरान संजय चौहान ने सभी को हरितालिका तीज की शुभकामनाएं दी। तीज के अवसर पर हार्दिक और क्रांतिकारी शुभकामनाएं देता हूं और जिस प्रकार से आप हम मिलकर कई वर्षों से इस त्योहार को मना रहे हैं, तो मैं ये नहीं समझता हूं कि मैं आपके और आपके समाज का हिस्सा नहीं, क्योंकि भारत और नेपाल, विशेष तौर पे हिमाचल प्रदेश और शिमला का एक बड़ा लंबा रिश्ता जो है वो नेपाल के लोगों के साथ रहा है, क्योंकि ये रिश्ता 200 साल से पुराना एक रिश्ता यहां पर रहा है। जब थापा अमर सिंह जो यहां पर अपने बहादुरी के बलबूते पर इस प्रदेश, इस हिमाचल प्रदेश तक, खास तौर पे शिमला तक वो यहाँ पर आए थे और एक लंबी लड़ाई के जरिए वो जो है, जो ब्रिटिशर्स हैं, जो भारत के अंदर इस देश को लूटने के लिए आए थे, एक साम्राज्यवादी ताकत उस समय की, जो इस भारत को उपनिवेश के तौर पर जो है इस्तेमाल करके यहाँ पे संसाधन जो रहे हैं उनके खिलाफ जो है वो अमर सिंह थापा जो है वो लड़ाई लड़ते रहे। वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान अखिल भारत नेपाली एकता मंच जिला समिति शिमला के अध्यक्ष भोला केसी ने कहा कि नेपाली संस्कृति में हरितालिका तीज का अपना ही महत्व है। उन्होंने कहा कि इस मौके पर महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं और उनके स्वस्थ जीवन की कामना करती हैं। के लिए हमारे जितने भी भाई बहन हैं, जितने भी हमारे संचार कर्मी हैं, जितने भी पत्रकार भाई लोग हों, जितने भी हमारे पुलिसकर्मी के भाई लोग हैं, उनको मैं ये चाहता हूँ कि बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई देना चाहता हूँ। हमारे कार्यकर्मी उपस्थित हो चुके हुए हैं, तो ये है कि एक नेपाली परंपरा के हिसाब से हम प्रवास में हो के भी, हम यह प्रवास में मजदूर करने आए हैं। मजदूर के साथ साथ एक मजदूर यूनियन है, नेपाल अखिल भारत नेपाल एकता मंच की तरफ से आज ये खिलौने में, जिला कमेटी की तरफ से आज खिलौने में महिला तीज कार्यक्रम मनाना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।